गाइस गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये है मेरा व्लॉग का दूसरा दिन, और आप देख सकते हो सुबह हो गई और मैं उठ गई हूँ, और मेरा फेस हमेशा की तरह ही सूजा हुआ है सुबह सुबह, जो कि सूजा हुआ होता है आँखें भी। और मैंने चढ़ा दी है चाय, चली गई है स्कूल, और अभी हम दोबारा से सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उठे हैं। तो अभी मैंने चढ़ा ली है चाय और फिर मैं गूंदूंगी आटा, क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे तो सुबह में रोटी में ले जाते हैं, तो इसीलिए पूजा कर रहे हैं इसीलिए। और अभी फ़िलहाल मैं उन्हें चाय दे देती हूँ पहले। तो ब्रेड मैंने लगा ली है और ये सिंपल सा करते हैं नाश्ता, सिर्फ ब्रेड और चाय। और आटा भी मैंने गूंद लिया है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय हम पी रहे हैं और ये अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस हमारे दो चैनल और हैं, एक शॉर्ट जलवा और एक हिंदी फैक्ट्स का, जिसपे आपको सारे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं, तो आप जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वहाँ पर क्या नॉलेज मिलती है। सारी की सारी नॉलेज की वीडियोस वहाँ पर मिलती है। आज कन्नू का रिजल्ट आएगा, तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और ये ड्यूटी भी चले जाएंगे और फिर मैं कन्नू को लेकर जाऊँगी। अभी कन्नू को उठाएंगे ना तो वो 10 बजे तो रोएगा वो रोता है उठते हैं। एक बार बच्चों को आदत हो जाती है ना, फिर उसको ये लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा स्कूल वो हो गया ना, तो बच्चों को थोड़ा सा आलस आ जाता है सुबह सुबह। देखो कैसे रो रहे हैं बच्चे बाहर। आज कन्नू का रिजल्ट है। आज कन्नू क्या बोलना चाहेगा? रिजल्ट है, आज ही बोलेगा कि मुझे पास कर। क्या हुआ क्या? जल्दी मुंह धो, क्या जल्दी। तो कन्नू हो गया है रेडी और ये लगा लिया उसने मास्क और बदल लिए कपड़े, और अभी ये भी रेडी हो रहे हैं और वो देख रहे हैं आप सामने सारे कपड़े, तो मुझे वो आके लगाने हैं और सब काम करना, अभी सब फैला पड़ा है। चलो अभी चलते हैं हम कन्नू के स्कूल और मैं भी हो गई हूँ रेडी। चलो ठीक है ना, मैं जा रही हूँ। ये है कन्नू का स्कूल और आज है कन्नू का रिजल्ट। है पेपर दे के आना है कन्नू, पेपर दे के आ जाना। पेपर दे के नहीं आना बेटा, कन्नू पास हो गया। सबको बोले पास हो गया। कौन सी क्लास में चला गया? थर्ड में। थर्ड में बेटा, इतने दिन से तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, अब रेगुलर स्कूल हो जाएगा। नहीं अब तुम साइकिल लेगी। कन्नू का रिजल्ट आ गया, मैं थोड़ी देर मास्क हटा देती हूँ। तो कन्नू का रिजल्ट आ गया है और मैं अभी जा रही हूँ घर, और इसे कल से भेजना है स्कूल, तो फिर मैं कल से स्कूल भेजूंगी इसे, फिर रेगुलर ही आएगा ये स्कूल और फिर हम जाएंगे तब भी छुट्टी लूंगी इसकी। इसीलिए देख कोयल कैसे बोल रही है, यहाँ से नहीं आगे से हिलाऊंगी। बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, बहुत गर्मी है भाई। सैनिटाइज हो गया है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हुई ना। मम्मी लूसी हो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, कैसे होगा यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार। और आज मैं सनस्क्रीन भी लगाना भूल गई, बाहर गई थी तो, बट मैंने चुन्नी से थोड़ा कवर कर लिया था इसीलिए। और अभी मैं सारा काम करती हूँ, सारा काम पड़ा है, सारा काम फैला है, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है तो मुझे खुद से ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो सारा कुछ अभी फैला पड़ा है, रोटी भी बनानी है,
ये सब्जी भी लगानी है, सब कुछ फैला पड़ा है। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं ये, और ये सारे मुझे अभी तय करके अलमारी में लगाने हैं। तो मैं जल्दी से ये तय कर लेती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा कर, बहुत सारा काम किया है आज, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, कितने सारे कपड़े धोए हैं, और इन्हें अभी सुखाना है। और बर्तन वगैरह सब हो गए हैं, मैं जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद थोड़ी देर में लेटूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, और ये है चटनी, ये है बूरा, और ये है आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ सो के, और मैंने कर लिया खाने की तैयारी, आप देख सकते हो। तो गोभी बनाऊँगी आज मैं, गोभी मैंने काट ली है। और आरव कह रहा था मम्मी आज मोमोज खाने का मन कर रहा है, तो आज अभी मैंने मोमोज बनाया। क्या खाएगा? दाल खा लेगा, तो इसका समझ में नहीं आता ये क्या खाएगा। काली दाल और चावल। एक बात बता, चावल चावल में क्या मिलता है तेरे को खा के? रोटी नहीं खाता। खाना वगैरह मैंने बनाने का तैयार कर लिया है, चढ़ा भी दिया है। जैसे कि डेली का रूटीन है, जैसे डेली का रूटीन होता है। और ये क्या है? हाँ, भीम का। गाइस बहुत ज्यादा मच्छर हो गए, तो मैंने मच्छर के लिए ये मंगाया है। हाँ ठीक है, तो मच्छर के लिए मंगाया क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हो गए। तो ये रोल ऑन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसे लगा लो, मच्छर बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएंगे। तो सब्जी वगैरह मैंने चढ़ा दिया, और कंजू लग रहा है अपनी तैयारी में, कल स्कूल जाना है। देखो। तो टी शर्ट ऑर्डर की थी, तो टी शर्ट हम देखते हैं खोलकर कैसी है। बट गाइज मुझे मीशो की टी शर्ट अच्छी लगती है, इसके पापा के लिए मंगवाई है। हम देख सकते हैं हौजरी का कपड़ा है ये, क्योंकि गर्मियों के लिए हौजरी का कपड़ा अच्छा रहता है, अच्छा कपड़ा है। और ये आई थिंक 200 की है मेरे ख्याल से। सी, तो ये मेहरून कलर में है, और राउंड नेक है इसका, और यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ पर बटन भी दिए हुए हैं, देख सकते हो। और मैंने लिया है एक्सेल साइज, ये है मैक फैशन, MK फैशन। और टी शर्ट तो अच्छी ही है, 200 रुपये में क्या बुरी है, अच्छी टी शर्ट है। तो जब पहनेंगे तो पता चलेगा कैसी लगेगी उन पर। मुंह से नहीं खोलते बेटा, कैंची से खोल दे, कैंची से, मुंह से नहीं खोल। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, घिया क्या बोलते हैं इसका, गोभी की, और इसमें है आलू, जो कि मैं आज सोच रही हूँ आलू के पराठे वगैरह या जो भी बनाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे गोभी नहीं खाएंगे तो गोभी खा ले, गोभी नहीं खाएंगे क्योंकि इनका खाना मुझे समझ में नहीं आता, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, समझ ही नहीं आता मुझे। तो फिर मुझे दो सब्जी बनानी पड़ती है, एक दाल कन्नू के लिए बनानी पड़ती है कभी कभी, तो इसीलिए। बट आज मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, आलू की सब्जी और पराठे वगैरह देख लूँगी जो भी बनाऊंगी, क्योंकि कन्नू को कल से स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी आलू होने चाहिए, इसीलिए। पापा आ गए, देखिए मैं लाई हूं, देखिए पापा आ गए पहले, शायद वो भी आ ही गए हैं। तो गाइस उनके भी आने का टाइम हो रहा है, और मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना, फिर उनसे मिलाऊंगी आपको कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और ब्लॉग भी थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसीलिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ब्लॉग देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।